मैं हूँ आबिद हुसैैन शेख आपका ख़ैर मकदम है फोर टी वी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में विशाल रैली के साथ मनाई गई संत सेवालाल की जयंती बंजारा समाज के संत सेवालाल महाराज की आज दो सौ जयंती के चलते बीजापुर शहर में बंजारा समाज के लोगों की ओर से विशाल रैली निकालकर शहर के श्री सिद्धेश्वर मंदिर से रंग मंदिर तक जिला भर से आए समाज के लोगों की ओर से जुलूस निकाला गया जिसका उद्घाटन जे डी देवानंद चौहान के हाथों किया गया ज़मीन मामले के चलते वक्फ बोर्ड चेयरमैन और केजीएफ बाबू के खिलाफ एफ़ दर्ज बेंगलुरु के बड़ा मकान में रहे पुराने घरों को गिराकर नए घर बनाकर देने का वादा करते हुए कांग्रेस लीडर के जी एफ बाबू उर्फ यूसुफ शरीफ और कर्नाटका वक्फ बोर्ड चेयरमैन मौलाना शफी सादी की ओर से गिराए गिराया गया था इन घरों को इस पर बिना किसी की इजाजत लिए ही मकान गिराए गए हैं कहते हुए बेंगलुरु के सोशल एक्टिविस्ट आलम पाशाह ने के जी एफ बाबू और वक्फ चेयरमैन शफी सादी के खिलाफ एफ आई आर दर्ज करवाई है शरीफ में लिंग की पूजा की अनुमति पुलिस ने की परेड गुलबरगा जिला आणंद में रहे लाडले मशाक दरगाह में कोर्ट की ओर से दरगाह के कैंपस में रहे लिंग की पूजा करने के लिए शिवरात्रि के समय मौका दिया है कोर्ट ने वो भी सिर्फ पंद्रह लोगों को ही यहाँ पर पूजा कर सकते हैं पत्थर से बने इस दरगाह के अहाते में रहे लिंग को इसी के चलते आज आड़ंद शहर में पुलिस की ओर से शहर भर में पूरे पुलिस बल के साथ रूट मार्च निकाला गया ताकि कोई अनहोनी घटना न घटे पुलिस का डर अपराधियों में बना रहे और समाज में शांति बनी रहे ये पूरा मामला चैन और सुकून के साथ गुजर जाए सरकारी स्कूल्स में खाना पकाने वाले कुक्स की ओर से हड़ताल राज्य भर में रहे सरकारी स्कूल सरकारी हॉस्टल में चंद पैसों के लिए खाना पकाकर खिलाने वाले मिड डे मील वर्कर्स इनकी मांग है कि रिटायरमेंट के बाद इन्हें सरकार एक लाख का मुआवजा दे इसी बात को लेकर बेंगलुरु फ्रीडम पार्क में हड़ताल की गई लेकिन पुलिस इन लाचार महिलाओं को कैदियों और अपराधियों की तरह गिरफ्तार कर ले गई अगर इतनी ईमानदारी से ड्यूटी निभाना है तो गुंडे मवालियों की गिरफ्तारी की जाए इन महिलाओं के साथ ऐसी बदसलूकी क्यों जो अपने अधिकारों के लिए लड़ रही हैं एक साथ कई दुकानों में चोरी चिकबल्लापुर जिला चिंतामणि के बागेपल्ली सर्कल में कल देर रात साड़ी टायर टी शॉप और जनरल स्टोर में चोरों ने हाथ साफ किया है जहां से नकद पैसे और कीमती सामान चुरा ले गए हैं चोर मौके पर पहुंचे पुलिस ने जायजा लेकर मामला दर्ज कर लिया है चिंतामणि पुलिस थाना में पुलिस ने धर्मांतर के पीछे विदेशी फंडिंग होती है रविशंकर गुरुजी का बयान बेंगलुरु ग्रामांतर वसपेटे में पहुंचे आर्ट ऑफ लिविंग के श्री श्री रविशंकर गुरुजी ने मीडिया में बयान दिया कि विदेशी फंडिंग के साथ कई हालात से मजबूर लोगों को धर्म बदला जाता है इसके पीछे उनका कुछ और ही लक्ष्य होता है विदेशी पैसों को देकर देश में अपने मर्जी के काम करवाए जाते हैं कहा गुरुजी ने तो फिर इतने दिनों से सब जान कर भी जानकारी क्यों नहीं दी गुरुजी ने शायद अब सभी सेकुलर धर्मगुरु धीरे धीरे वही बोलने लगे हैं जो अब उनसे देशभक्ति के नाम पर बुलवाया जा रहा है जिसम फरोशी के अड्डे पर पुलिस की रेड बेलगाम जिला निपानी में रहे गुजरात लॉज में कई दिनों से जिसम फरोशी का धंधा चल रहा था निपानी सी पी सी एस पाटिल की ओर से रेड करके दो महिलाओं की रक्षा करते हुए लॉज मालिक की गिरफ्तारी की है पुलिस ने इस पर निपानी शहर पुलिस थाने में मामला हुआ दर्ज लोकायुक्त की जाल में फंसे बिजली विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बेंगलुरु बेस्कॉम बिजली विभाग के दफ्तर में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के अहदे पर काम करने वाले संतोष नामिस ऑफिसर ने बिजली लाइन की इजाजत के लिए डेढ़ लाख रिश्वत की मांग की थी पैसे लेते हुए रंगे हाथों लोकायुक्त तो डीवाई एस पी बसवराज और इंस्पेक्टर श्रीकांत की ओर से गिरफ्तारी की गई है इस अधिकारी की आखिर कब बंद होगा यह रिश्वतखोरी का धंधा क्या हर जगह जगह रेड डालते ही रहेंगे लोकायुक्त तो वाले न जाने और कितने लोग होंगे विभागों में या फिर ऐसे कई सरकारी ऑफिसर ही चोरी छिपे रिश्वत लेते होंगे तभी तो बना है लोक आयुक्त तो विभाग आईटी अधिकारियों की ओर से राजधानी में रेड बेंगलुरु के जाने माने उद्यमी और जेडीएस लीडर प्रभाकर रेड्डी के घर पर आज सुबह सवेरे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वालों ने रेड की है टैक्स की चोरी आय से अधिक संपत्ति रखने के आरोप में रेड किए जाने की बात कही जा रही है सूत्रों के हवाले से कांग्रेस नेताओं के बाद अब चुनाव के नज़दीक जेडीएस नेताओं के घर पर आईटी रेड कभी इसी तरह बीजेपी वालों के घर पर भी आईटी रेड होगी या इनकी सरकार होने से इन्हें माफ़ किया गया है कह रहा है विपक्ष ध्वनि यात्रा में करवे ने रोका कांग्रेस की बस बागलकोट जिले में चल रही कांग्रेस की ध्वनि यात्रा के चलते बस में जा रहे सिद्धरामैया के काफिले को रोककर कन्नड़ा संगठनों की ओर से सिद्धरामैया को मेमोरेंडम दिया गया कि सिद्धरामैया के सीएम के अवधि में ही बागलकोट जिले में 2014 और 15 में सरकारी मेडिकल कॉलेज स्थापना की घोषणा की गई थी लेकिन आज तक बन ही नहीं पाई जिले में सरकारी मेडिकल कॉलेज क्या किया कन्नड़ा प्रगति पर संगठनों ने मिलावटी पानी पीने से कई लोग बीमार यादगीर जिला अनापुर गांव में घर में मुहैया किए जाने वाले पानी को पीने से 40 से भी ज्यादा लोग बीमार होकर हॉस्पिटल में इलाज करवा रहे हैं जिसमें से एक महिला की आज मौत भी हो गई खबर मिलते ही मौके पर पहुंचे हेल्थ है। विभाग के अधिकारियों की ओर से जायजा लिया जा रहा है अब आकर अधिकारी क्या चमत्कार करेंगे जान चली गई तो पीएम हो या सीएम भी जिंदा नहीं कर सकते गिफ्ट पॉलिटिक्स पर जनता ने उठाई आवाज और तहफे किए वापस बागलकोट जिला हुनगुद में आजाद उम्मीदवार नवली हिरमट के समर्थकों की ओर से बेटी के शादी के कार्ड के साथ हर वोटर को महंगी साड़ी बांटी जा रही थी तो चंद लोगों ने इनके साथ बहस करके वहाँ से भगाने में कामयाब रहे वरना तो हर बार की तरह चुनाव में इनकी एक दिन की खुशी देने वाली चीज़ लेकर जिंदगी भर इनकी गुलामी करनी पड़ती जनता को जनता को ये एहसास दिलाना होगा कि नेता हमारे नौकर हैं ना कि जनता नेता की नौकर है हर बार इन्हें सर पर बिठाने पर यही हाल होगा जानकार बनकर सही व्यक्ति को वोट दे किसी तोहफे के लालच में न आए जनता और खबरों के लिए देखते रहिए फोर टीवी न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस